हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर भाई गुरु बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट हम लेकर आज के आपको बताने वाले हैं कि एचकेआरएन की एक बड़ी खबर आप सभी के सामने लेकर आए हैं। सभी इस वीडियो को ध्यान से सुनना। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर लगे हुए हैं या लगने के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एचकेआरएन में अब आपकी नौकरी कितने टाइम की रहने वाली है, कितने दिन तक आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में काम कर सकते हैं, इसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, पूरी डिटेल्स की जानकारी देंगे। फिर से सब बदल दिया गया है एचकेआरएन का सिस्टम। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम का फॉर्म भरते हैं तो भाई गुरु बहनों, आपको पूरा पता होना चाहिए कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर अब किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, कितने टाइम तक आपको वहां पर रखा जाएगा, काम करवाया जाएगा, कितने टाइम के बाद में आपको निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार की जो पक्की भर्तियां चल रही है उसके साथ साथ में जो कच्ची भर्तियां उनके भी नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो चुके हैं और आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, पूरे आपको गाइड करते रहते हैं, हर टाइप का नॉलेज देते हैं, हर टाइप की आपको वीडियो मिलती है। अगर कोई भाई गुरु बहनों आपको कोई ऐसा अपडेट का जानकारी नहीं मिल पा रहा, जिसके बारे में आपको कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा, कोई भर्ती का फॉर्म लगा रखा है जिसके बारे में आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा, चाहे वो कौशल रोजगार निगम की भर्ती हो, कोई भी डिप्टी आपका डिपार्टमेंटली भर्ती हो, कोई भी किसी प्रकार की भर्ती रहती है, नहीं आपको आज तक कोई ऑफर लेटर मिला है, तो इस विषय में आप मुझे कॉमेंट करके जरूर पूछिए। आपके कॉमेंट का रिप्लाई करेंगे। टेलीग्राम पर मैसेज करना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो एक बार आइए, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो सिस्टम में बदला हुआ है एक बार आपको दिखाते हैं, बताते हैं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके, मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, आप सभी को लग रहा होगा सर ये अपडेट तो कल आया था, आज हमें बता रहे हैं और ये दोबारा से बता रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये अपडेट आपको कल भी बता दिया गया था कि आपके जो 150 नंबर का पेपर हो, जो आपके नंबर होते थे पेपर का नाम, सॉरी, क्योंकि 150 नंबर में से जो आपका सिलेक्शन होता था अब उसको 100 नंबर कर दिए गए हैं, परंतु ये डिटेल्स कल की थी, मतलब कि कल आपको बता दिया गया था, इसका जो पूरा सिस्टम था वो आपको समझा दिया गया था। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया वो एक बार आप देखिए उसमें क्या लिखा गया, वो भी आपको दिखाएंगे बताएंगे। ओके, ये अभी का लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने रहने वाला है, क्योंकि भाई गुरु बहनों हर एक जानकारी आपको सबसे पहले देते रहते हैं, हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी आते हैं सबसे पहले आपको बताते रहते हैं। प्रदेश में पक्की नौकरी के बाद कच्ची नौकरियों का भी रास्ता हो गया है साफ। एचकेआरएन के संशोधित नीति में सीएम साहब ने जो दे दी गई है मंजूरी, अब ऐसे मिलेंगे आप सभी को नंबर, और इसमें साफ साफ सारी चीजें लिखी गई हैं, आपको एक बार पढ़िए और आपको पूरा जो है वो क्लियर कर देंगे। परिवार की आय, परिवार पहचान पत्र में जो आपके 1,80,000 से इनकम सर्टिफिकेट या नीचे बनवा रखा है, 1,80,000 तक तो है तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। परिवार पहचान पत्र वेरिफाइड उम्र के हिसाब से 10 नंबर मिलते हैं। अतिरिक्त कौशल योग्यता के 5 नंबर है, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के 5 नंबर है, सामाजिक आर्थिक मापदंड के 10 नंबर है, सीईटी अगर आप पास हैं तो आपको 10 नंबर दे दिए जाएंगे, ईज ऑफ डेवलपमेंट के 10 नंबर है, सरकारी विभाग अनुभव का 10 नंबर इसमें मिल जाता है। अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है तो आपको 10 नंबर इसमें मिल जाएंगे, तभी तो मैं बताता रहता हूं अप्रेंटिस कर लो भाई बहनों, आईटीआई कर रखी है तो किसी भी डिपार्टमेंट में जाके अप्रेंटिस आप कर ले, क्योंकि भाई गुरु बहनों ये आपके अभी 100 नंबर कर दिए गए हैं, 100 नंबर आपके इस टाइप से मिलने वाले हैं। पहले आपको ये मिलते थे, सालाना परिवार आय आपके 40 नंबर थे, उम्मीदवार के 15 नंबर थे, अन्य कौशल योग्यता के 20 नंबर थे, सामाजिक आर्थिक मापदंड के 5 नंबर थे, कॉमन एजुलिटी टेस्ट के 10 नंबर थे, ईज ऑफ डेवलपमेंट के 10 नंबर थे, मुख्यमंत्री अत्योदय परिवार उत्थान योजना के 50 नंबर मिलते थे, अब इसको हटाकर आपके 40 नंबर दिए गए हैं, इसको हटा दिया गया है 50 नंबर वालों को, क्योंकि भाई गुरु बहनों ये अपडेट आप सभी के सामने रहने वाला है, क्योंकि पहले आपको पता है 150 नंबर का जो पूरा सिस्टम बना रखा था उसको हटा दिया गया, अब 100 नंबर इस प्रकार से किए गए हैं, ये पहले का क्राइटेरिया था और ये अब का क्राइटेरिया रहने वाला है। अब इसमें से आपके ऑफर लेटर जारी होंगे, पहले इसमें से होते थे इस साइड वाले में जो मैंने अभी टेक किया है, इसमें से आपके ऑफर लेटर आते थे 150 नंबर में, परंतु उसमें आप सभी के पास में अत्योदय परिवार योजना का लाभ नहीं रहता था, जिसके अंदर अब ऐसा मिलेंगे आपकी इनकम सर्टिफिकेट है वो मायने रखेगी आप सभी के लिए। अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट 1,80,000 से नीचे का है तो बिल्कुल आराम से आप सिलेक्शन उठा लेंगे। दूसरी चीज, परिवार पहचान पत्र में आपकी उम्र कितनी करवा रखी है उसके 10 नंबर मिल जाएंगे। अतिरिक्त कौशल योग्यता है, आपके पास में कोई अलग से क्वालिफिकेशन है तो 5 नंबर मिल जाएंगे। जो शैक्षणिक योग्यता के 5 नंबर है, और ये सभी 10-10 नंबर आपको दिए जाएंगे। परंतु जो 50 नंबर वाला ये सिस्टम था ये हटा दिया गया है, इसमें साफ साफ ये बोला जा रहा है मुख्यमंत्री अत्योदय परिवार योजना वाला सिस्टम हट चुका है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो अब आपके ऑफर लेटर आने स्टार्ट हो जाएंगे, अब विद्यार्थियों को चयन 150 अंकों की बजाय 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा।
ये आपके सामने बिल्कुल साफ साफ हो गया है, जिसके अंदर आपका चयन इस प्रतिक्रिया के हिसाब से किया जाएगा। न्यूनतम 18 साल होगी और अधिकतम आपके 58 साल तक की सर्विस कर सकते हैं। भाई और बहनों, आपकी एज आपके 18 साल अगर नौकरी करते हैं तो आपके 58 साल तक नौकरी कर पाएंगे। इसमें लिखा गया है कि आप 58 साल तक अपना अनुभव के साथ में काम कर सकते हैं, आपको कोई भी हटाने वाला नहीं होगा। परंतु जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो हमेशा हर साल रिन्यू होना चाहिए। जिस साल रिन्यू नहीं हुआ उसी साल आप बाहर हो जाएंगे। अच्छे से काम करिए, अच्छे से आप वहां पर एक्सपीरियंस गेन कीजिए। साथ में जो भी आपका रिन्यूएबल का जो भी लेटर आता है उसको ध्यान से देखना। जिस भाई और बहनों का रिन्यूएबल का जो भी सिस्टम होता है उसको साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए और 58 साल तक आप इसमें काम कर सकते हैं। कौशल योग्यता के सभी 5 अंक मिलेंगे, इससे पहले 20 अंक मिलते थे। जो भी भाई और बहनों, मेडिकल लीव भी आपको बता दी गई कि 10 आपके कैजुअल लीव होंगे और अधिकतम 10 मेडिकल लीव आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको HKRN की पुरानी पॉलिसी जो आपका कोज नंबर था 8.2 उसको डिलीट कर दिया गया है। जो आपकी पॉलिसी में जो आपका पैरा नंबर 8.2 था उसको डिलीट कर दिया गया है। इससे पहले अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना उपलब्ध न होने पर दूसरे जिले के दोनों के न होने पर योग्यता उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए शर्त है। अब इसे क्लोज डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि इसमें पहले क्या था कि आपके जिले में अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड से तो दूसरे जिले के बच्चे बुला लेते थे, और दोनों नहीं है तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बुलाते थे। अब उसको हटा दिया गया है क्योंकि उसमें सरदर्दी थी, आपको ऑफर लेटर नहीं मिल पाता था, लंबे टाइम से आप वेट करते रहते थे, तो भाई और बहनों आपको दिक्कतें आ रही थी। परंतु इस पैरा नंबर 8.2 को हटाकर अब आपको 150 में से 100 नंबर इन आधार पर लेंगे, और जो भी भाई और बहनों अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी मैच करेगा उसको नंबर दे दिए जाएंगे और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बिल्कुल हैरान होने की चीजें नहीं है, अब आराम से आप सभी के ऑफर लेटर भी आएंगे, अच्छी नौकरी भी मिलेगी। साथ में भाई और बहनों, जिसने अभी तक फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं किया हरियाणा कौशल रोजगार निगम का, वो सभी बच्चे फॉर्म भर रही है, क्योंकि आपके लिए अच्छी अच्छी जॉब्स के जो भी ऑफर लेटर आते रहते हैं सबसे पहले आपको जानकारी देते रहते हैं। तो हमेशा सबसे पहले जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई और बहनों हर विषय की जानकारी मिलेगी, हर एक भर्तियों के अपडेट मिलेंगे, जो भी भर्ती आती रहेंगे सबसे पहले आपको जानकारी देते रहेंगे। तो जिसके अंदर आपको TGT PGT वालों का भी क्या लिखा गया है कि अब किसी भी अभ्यर्थी को चयन 150 के बजाय 100 अंकों के आधार पर होगा। संभावना है कि निगम के माध्यम से जल्दी करें 9000 PGT TGT जो भर्ती के अलावा ग्रुप डी समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। भाई और बहनों, आपको बताया जा रहा है कि इसमें TGT PGT के जो विद्यार्थी लगेंगे 9000 जो विद्यार्थियों के फॉर्म अभी ऑनलाइन होने वाला है HKRN में, मेरी बहनों के लिए, अगर आपके गांव के अंदर कोई सरकारी स्कूल है तो उसमें अच्छी खासी आप सैलरी के साथ में काम कर सकती है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। अगर तो आपको कोई भी अपडेट आता है, अगर 9000 वैकेंसी अभी आने वाली आपको बताना चाहेंगे, TGT PGT के जो 9000 पद आने वाले हैं इसकी सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सबसे पहले आपको जानकारी देंगे, और जो भी लिस्ट जारी होगी कि कहां कहां पर कितनी कितनी वैकेंसियां कौन कौन से गांव के अंदर कौन कौन से सरकारी स्कूलों के अंदर उसके विषय में कोई भी जानकारी आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई और बहनों, सभी भाई को सभी मेरी बहनें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले भर्तियों के नोटिफिकेशन मिलेंगे और जो भी अपडेट आता है उसको देखा करो। देखने के बाद कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है, कोई अधूरी जानकारी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताया करो, हमेशा आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर करेंगे। तो भाई और बहनों, हमेशा रियल जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ में अपने मित्रों को भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाइए, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर भी उनको भी सबसे पहले जानकारी हमेशा मिलती रहेगी, और आप खुद भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक भर्ती के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और TGT PGT के जो 9000 पद आपके आने वाले हैं उसके कभी भी आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे तुरंत आपको जानकारी देंगे, तुरंत आपको नोटिफिकेशन देंगे कि इस विषय की यहां यहां पर जानकारी है, ये नोटिफिकेशन है, इस प्रकार से आप अप्लाई करिए। तो भाई और बहनों, हमेशा आपके साथ में जुड़े रहेंगे, तो हमेशा जुड़े रहिए आप भी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा सारी चीजें आपको रियल मिलेंगी, जो भी आपको डाउट रहता है उसके कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई करेंगे। तो भाई और बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।